अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। सो किड्स, टुडे आवर बुक इज इनिशिएट इंग्लिश प्री प्राइमरी टू फॉर नर्सरी क्लास। ये इनिशिएट इंग्लिश की बुक है प्री प्राइमरी टू, और ये नर्सरी क्लास की बुक है। सो आज हम इसमें से देखेंगे कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है लेटर के साउंड क। लेटर के साउंड क। किड्स, आज हम सबसे पहले कुछ एक्टिविटीज करेंगे जिसमें हम कुछ तस्वीरों को देखेंगे और इसके अलावा हम कुछ चीज़ें देखेंगे। फिर बाद में हम अपनी किताब की जानब बढ़ते हुए इसमें से कुछ चीज़ों को देखेंगे और साथ में इनकी रीडिंग करेंगे और फिर बाद में हम लोग उसकी फ्रेजिंग भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी नंबर वन। नाउ किड्स लुक, दीज आर कीज, दीज आर कीज, ये चाबियां हैं, ये चाबियां हैं। और इनमें देखे तीन चाबियां हैं, एक मेरे भाई की मोटर बाइक की है, दूसरी हमारे घर की है, और तीसरी जो हमारा बाहर वाला गेट है ये उसकी चाबी है। सो दीज आर कीज, दीज आर कीज, दीज आर कीज, की की कीज। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सी, देखिए ये क्या चीज है, दिस इज काबा, ये काबा है, दिस इज काबा, ये काबा है। काबा को अल्लाह ताला का घर कहते हैं, ये अल्लाह ताला का घर है, ये अल्लाह ताला का घर है, दिस इज काबा, ये काबा है, ये काबा है। आगे देखिए मेरे पास बहुत ही खूबसूरत सी चीज, अरे ये तो एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज है जिसके ऊपर कुछ नंबर्स भी लिखे हैं, ऊपर देखिए, और जिसके ऊपर देखिए अल्फाबेट्स भी लिखे हैं और कुछ साइंस हैं। जी, दिस इज कीबोर्ड, दिस इज कीबोर्ड, ये कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड है। जी, कीबोर्ड को हम लोग कंप्यूटर के साथ अटैच करके इसके ऊपर हम लोग टाइपिंग करते हैं जो हमें हमारे मॉनिटर पर नज़र आती है। देखिए इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, इसके अलावा इसके ऊपर 1-2 जो है वो देखिए नंबर्स भी लिखे हुए हैं, इसके अलावा कुछ साइंस हैं। जी, जिन्हें प्रेस करने पर हमें मुख्तलिफ तरह की चीज़ें मिलती हैं। जी, तो प्यारे बच्चों क्या आप जानते हैं व्हाट इज द बिगनिंग साउंड, उनकी बिगनिंग साउंड क्या है? कीबोर्ड की, काबा की, और की बिगनिंग साउंड क, क, क। नाउ कीबोर्ड, काबा एंड कीज बिगनिंग साउंड इज क, लेटर के साउंड क, लेटर के साउंड क, लेटर के साउंड क, लेटर के साउंड क है। यस, नाउ किड्स हमने पहली एक्टिविटी में कुछ चीज़ों को देखा, अब हम अपनी एक्टिविटी टू में कुछ फ्लैश कार्ड्स को देखेंगे। चलें तो हम फ्लैश कार्ड को देखते हैं। नाउ किड्स लुक, मेरे फ्लैश कार्ड पर जो पहली तस्वीर है वो कौन सी है? यस, ये की है, दिस इज की, 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 की को उर्दू में चाबी कहते हैं। जी, मेरे पास भी चाबियां थी ना, और यहाँ पर भी एक चाबी है, दिस इज अ की, ये एक चाबी है, की। नाउ द नेक्स्ट इज लुक, अ वेरी ब्यूटीफुल काइट, दिस इज काइट, ये एक काइट है। काइट को उर्दू में पतंग कहते हैं, ये एक काइट है। हम क्या करते हैं, काइट को उड़ाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि काइट के ज़्यादा उड़ने या इसके ज़्यादा उड़ाने या ऊंचाई पर उड़ाने की वजह से क्या होता है, कई दफ़ा ये कट जाती है और सड़क पर चलने वाले लोगों के हाथों या गले में फिरने से बहुत नुकसान होता है। सो हमें चाहिए कि जब कभी भी काइट उड़ाने का दिल करे सो हमें किसी खुली जगह या खुले मैदान में ही जाकर, और ज़्यादा बुलंदी पर काइट तो बिल्कुल भी नहीं उड़ानी चाहिए। जी, सो दिस इज काइट, ये काइट है। नाउ लुक, दिस इज कैटल, दिस इज कैटल, दिस इज कैटल, ये
कैटल है। कैटल को उर्दू में केतली कहते हैं। कैटल को उर्दू में केतली कहते हैं। ये केतली है। केतली में क्या करते हैं? चाय बनाते हैं, पानी को बॉइल करते हैं। इसके अलावा कहवा भी बनता है। क्या आप जानते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, यानी जो ठंडे इलाके होते हैं, वहाँ पर केतली का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। केतली में चाय जल्दी से पानी को गर्म करती और फिर चाय जल्दी से ही बन जाती है जी। सो ये केतली है। दिस इज कैटल, कैटल, कैटल। नाउ लुक इन माय फिफ्थ फ्लैश कार्ड। दिस इज कैंगरू, कैंगरू। ये कैंगरू है। कैंगरू बहुत ही होशियार जानवर है जी। ये उछलता और कूदता रहता है। क्या आप जानते हैं कि इसके दो पाँव होने के बावजूद ये चलता नहीं बल्कि उछलता रहता है जी। इसी तरह इसीलिए देखें, अल्लाह ताला ने इसके पेट के साथ ही इसकी एक थैली नुमा एक बोरी सी बनाई है, जिसमें क्या करता है, ये अपने बच्चे को सेव करने के लिए इसमें रख देता है। क्योंकि ये उछलता और कूदता रहता है ना, इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि इसके पाँव के नीचे इसके बच्चा आके मर ना जाए। तो अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत सी इसके आगे एक थैली नुमा लगा दी। सो दिस इज कैंगरू, ये कैंगरू है, ये कैंगरू है। डियर किड्स, डू यू नाउ व्हाट इज द बिगनिंग साउंड ऑफ कैंगरू? कैटल, काइट एंड किस। यस, इट एंड द बिगनिंग साउंड इज लेटर के साउंड क। लुक, इट इज लेटर के साउंड क। ये लेटर के है और इसकी साउंड क है। ये लेटर के है और इसकी साउंड क है। लुक, क की, क काइट, क कैटल, क कैंगरू। वेल डन। नाउ गेट्स द एक्टिविटी नंबर 1 and 2 इज डन। नाउ मूव ऑन बुक। एक्टिविटी नंबर 1 और 2 मुकम्मल होने के बाद अब हम अपनी किताब की जाना बढ़ेंगे और उसमें मज़ीद तस्वीरें देखेंगे और फिर हम ट्रेसिंग भी करेंगे। सो लेट्स ओपन द बुक। नाउ टुडे आवर बुक इज इनिशिएट इंग्लिश प्री प्राइमरी 2 फॉर नर्सरी क्लास। नाउ ओपन द बुक। On page number 25, unit number 12, safa number 25 par, unit number 12 par. Today our topic is alphabet K. Alphabet K. Look, this is capital K. Capital K, bada K. And this is small letter K. Aur ye chota letter K hai. G. Alphabet K, sound K. Ye bhi K hai. और ये भी के है, ये बड़ा के है, ये छोटा के है और इनकी साउंड, इनकी आवाज क है, इनकी आवाज क है। Now kids, look in this picture. इस तस्वीर में देखें, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर है। इसके अंदर देखें, एक बहुत ही खूबसूरत सी कैटल है और साथ में देखें विंडो के बाहर एक काइट भी उड़ रही है और देखें यहाँ पर केचप की बोतल भी है और साथ में देखें एक किटन भी है। किटन को, यानी जो बिल्ली का बच्चा होता है, उसे किटन कहते हैं। और देखें किटन के पास ही एक की है। चलें सो हम इन्हें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लुक, दिस इज कैटल, 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 कैटल। ये एक केतली है, कैटल। लुक, दिस इज काइट। देखें ये एक पतंग है, काइट, काइट, काइट। नाउ लुक, दिस इज केचप। ये केचप है, केचप, केचप, केचप। केचप को हम फ्राइज के ऊपर डालकर बड़े ही मजे से खाते हैं। ये केचप सॉस खट्टी मीठी होती है और ये टोमेटो केचप सॉस है जी। ये केचप है। यहाँ पर देखें, दिस इज किटन। ये बिल्ली का बच्चा है। किटन, किटन, किटन। नेक्स्ट लुक, दिस इज की।
ये चाबी है। की की की। Now look kids, in down words to learn। यहाँ पर हमने क्या करना है, इन वर्ड्स को लर्न करना है। Now the first word is kite, kite, kite. Second, kettle, kettle, kettle. Third, key, key, key. Fourth, kitten, kitten, kitten. Fifth, catcher, catcher, catcher. Now the last word is trace and write. जो हमारा आखिरी काम है वो हमने ट्रेस करना है और लिखना है। Look, this is capital letter K and this is small letter K. ये capital letter K है और ये small letter K है and its sound is K, K. और इनकी साउंड क्या है, K. Now write capital letter K, small letter K, sound K. 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 Well done. Now kids, the page number 25, also unit number 12, alphabet K, sound K is done. I hope you enjoyed. Now kids, Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।